नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमेश बाली जी के और एक वीडियो में। इस हिंदी वीडियो में हम बात करने वाले मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएससी क्लास 1 एमएससी क्लास 2 के बारे में। और उसके अलावा भी एमएससी क्लास 3 एमएससी क्लास 4 होता है। क्या चीज है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का टाइप्स क्या है और कैसे एमएससी क्लास 1 एमएससी क्लास 2 काम करता है और कैसे ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके साथ साथ आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में भी जानना चाहिए। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो हमने बना के रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। और इस इम्यूनोलॉजी सीरीज को जरूर शुरुआत से लेकर अंत तक फॉलो करें ताकि आपको आइडिया आए। तो एमएचसी क्या है? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स is a set of surface proteins located in the cell membrane of nucleated cells. It plays more important role to identify the antigen between self and non-self body. और ये सबसे important बात यही होता है कि ये एक ऐसा receptor है जो हमें हमारे immune system के cells में मौजूद होता है, normal cells में भी मौजूद होता है। और ये हमें ये चीज़ हमारे cells को बोलने में मदद करता है कि कौन सी एंटीजन सेल्फ है, कौन से एंटीजन नॉन सेल्फ है। मतलब कोई भी फ्रैगमेंट ऑफ प्रोटीन आए, उसको एंटीजन के नेचर हो, तो वो सेल्फ है या फिर फॉरेन है। वो खुद के शरीर के अंदर से जनरेट हो रहा है या फिर बाहर से जनरेट हो रहा है। अगर बाहर से जनरेट हो रहा है तो एमएससी क्लास 2 उसको लेकर काम करेगा, अगर अंदर से जनरेट हो रहा है तो एमएससी क्लास 1 उसको लेकर काम करेगा। ओके, हिस्टो रेफर्स टू टिश्यूज, कंपैटिबिलिटी रेफर्स टू लिविंग टुगेदर इन हार्मोनी। इसको कहते हैं हिस्टो कंपैटिबिलिटी, मतलब टिश्यू हार्मोनिकली एक साथ यहां पर रह पा रहा है या नहीं। एमएससी मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिकॉग्नाइज ओनली टी लिम्फोसाइट्स। द टू टाइप्स ऑफ एमएससी जहां पर काम करता है, एक तो है टी एमएससी क्लास 1 एमएससी क्लास 2, और टी लिम्फोसाइट के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये दोनों टाइप का एमएससी होता है, एमएससी 1 MHC2। MHC1 जो है वो हर एक बॉडी के हर एक न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद होता है, नर्व सेल को छोड़कर, प्लेटलेट्स को छोड़कर। MHC क्लास 2 सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कुछ इम्यून सिस्टम के सेल में मौजूद होता है, जिसको हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, और सिंपली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, जिसको डेंड्रिटिक सेल हो गया, जो बी सेल हो गया, मैक्रोफाज हो गया। ठीक है, तो MHC क्लास 2 के साथ कौन से टाइप के टी सेल इंटरेक्ट करता है? साइटोटॉक्सिक नहीं, नॉर्मली टी हेल्पर सेल इंटरेक्ट करता है, जिसमें CD4 मौजूद होता है। और एमएससी क्लास 1 के साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल इंटरेक्ट करता है, जिसमें CD8 मौजूद होता है। तो सिंपल सा बात यह है, यह चीज आप अगर दिमाग में बिठा लो तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। देखो यहां पर यह टोटल न्यूक्लिएटेड सेल है, सारे के सारे सेल में क्लास 1 एमएससी है, एक्सेप्ट फॉर दो एग्जांपल मैंने बताया। क्लास 2 जो सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में है, और क्लास 1 क्लास 2 एमएससी आरबीसीज में बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है। टाइप्स ऑफ एमएससी मैंने बताया आपको, पीटर गोरर 1930 में चार तरीके के एमएससी मॉलिक्यूल देखे हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 और क्लास 4। इसी के बारे में हम बात करेंगे। शायद आपको सिर्फ पता है क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में, मैक्सिमम हम वही डिस्कस करते हैं, मगर उसके अलावा भी क्लास 3 क्लास 4 है। तो देखो क्लास 1 जिसका साइज 45 किलो डाल्टन, लार्ज ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में है, सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल। मैंने बताया नर्व सेल और प्लेटलेट में वो मौजूद नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इट प्रेजेंट एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल को ये एंटीजन प्रेजेंट करता है, और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेगा, जब भी एमएससी क्लास 1 के साथ इंटरेक्ट करेगा एंटीजन प्रेजेंटेशन के साथ, ये सिग्नल करके जो सेल इसको प्रेजेंट करेगा उसको मार देगा। ओके, एंड दैट इज द जॉब ऑफ साइटोटॉक्सिक, इसीलिए हम इसको साइटोटॉक्सिक बोलते हैं, जो साइटो मतलब सेल्स के लिए टॉक्सिक है, जो सेल को मार देता है, राइट? और क्यों मारेगा? क्योंकि सेल्स के अंदर अगर कोई वायरस आके बैठ चुका है नॉर्मल सेल के अंदर, और सेल की डिवीजन को हाईजैक, सेल की सारे मैकेनिज्म को हाईजैक कर चुका है, तब बॉडी क्या करेगा, कोशिश करेगा कि देखो सेल तो ठीक नहीं हो पाएगा, वायरस ऑलरेडी बिठा हुआ है, तो क्या करे, खुद को ही मार दे, मतलब सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि वो वायरस भी मर जाए सेल के साथ साथ। उसी काम में टी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो लगा हुआ होता है, जिसको हम CD8+ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, यही बात होता है यहां पर। अगला जो है यहां पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, ये एमएससी क्लास 1 की स्ट्रक्चर है। एमएससी क्लास 1 को कैसे दिखने में होता है, देखो एमएससी क्लास 1 वेरी सिंपल टर्म, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब यहां पर तीनों ऐसे स्ट्रक्चर्स और एक जगह पे ऐसे गैप,
मतलब मेम्ब्रेन में सिर्फ एक ही जगह ये स्पैन करता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है, देखो सिंगल एक ही मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, ठीक है। और यहां पर दो अल्फा यूनिट है, ओके, तीन अल्फा यूनिट, 1, 2, 3, और एक बीटा माइक्रोग्लोब्यूलिन यूनिट, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बीटा 2m यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट है बीटा 2m। तो तीन अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कैसे अरेंज हुआ, अल्फा 1 ऐसे इस तरफ से, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और यह बीटा 2m। बीटा 2m जो है देखो वो मेम्ब्रेन एंकर्ड नहीं होता है, अल्फा 1, 2, 3 मेम्ब्रेन एंकर्ड है, और अल्फा 2 के साथ 3 का इंटरेक्शन डाइसल्फाइड ब्रिज से होता है, ठीक है, और 3 के साथ 3 का खुद का इंटरेक्शन, एक्चुअली 2 के साथ 2 का खुद का इंटरेक्शन डाइसल्फाइड ब्रिज, 3 के साथ 3 का डाइसल्फाइड ब्रिज इंटरनल इंटरेक्शंस होता है, और बीटा 2m में भी एक डाइसल्फाइड ब्रिज से ये पकड़ेगा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 पॉलीपेप्टाइड नेमिंगली अल्फा एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, मैंने बताया यहां पर बीटा 2 अल्फा चेन ट्रांस, ये जो अल्फा चेन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन अल्फा चेन का ही होता है, और ये HLA एक पर्टिकुलर एलील जीन है, इससे कोडेड होता है ह्यूमन में, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कुछ देर बाद। अल्फा चेन ऑर्गेनाइज इन 3 डोमेन्स, अल्फा 1, 2 एंड 3। बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन सिमिलर इन साइज ऑफ अल्फा 3 एंड इट डज नॉट कंटेन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, मैंने बताया क्लियरली, ओके। व्हेन द एंटीजन इज इंटरनलाइज्ड एंड प्रोसेस्ड इनसाइड बाय प्रोटियाजोम, तो इंटरनल जब भी कोई लाइक वायरस की कोई ऐसे प्रोसेस, वायरस शरीर के अंदर है उसको ब्रेक करना है, तो प्रोटियाजोम ही उसको डिस्ट्रॉय करेगा, फिर उसके बाद यूबिक्विटिनेशन होगा, उसको डिस्ट्रॉय करके उसके स्मॉल स्मॉल टुकड़े जो फ्रेगमेंट है जनरेट होगा, और उसको बाहर की तरफ शो कर दिया जाएगा थ्रू MHC1। कैसे किया जाएगा उसका भी मैकेनिज्म हम बाद में देख लेंगे, ओके। तो ये देखो ये प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द साइटोसॉल। नॉर्मली तो क्या होता है, साइटोसॉल के अंदर प्रोडक्शन होता है, वायरस आ गया अंदर, ये वायरस और खुद के प्रोटीन्स यहाँ पे बना रहा है, वायरस का यही तो फंडा है, वायरस अपने शरीर हमारे शरीर के सेल में आएगा और शरीर का ही मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म को हाईजेक कर लेगा, खुद के प्रोटीन्स यहाँ पर बनाएगा। तब क्या हो गया, यहाँ पर इसको जब भी देखो ये प्रोटीन तैयार कर रहा है तो बॉडी का नॉर्मल जो प्रोसेस है इसको पॉलीयुबिक्विटिनेशन करेगा। यूबिक्विटिनेशन का मतलब ये होता है कि एक यूबिक्विटिन छोटा प्रोटीन, और किसी भी प्रोटीन को सेल के अंदर अगर यूबिक्विटिन की टैग लग गया उसका मतलब है उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो जब भी वायरल प्रोटीन में यूबिक्विटिन का टैग लगा देता है सेल, तो सेल क्या करेगा, प्रोटियाजोम एक कॉम्प्लेक्स होता है जो चॉपिंग फैक्ट्री होता है, उसके अंदर वायरल प्रोटीन चला जाएगा, उस वायरल प्रोटीन को चॉप करके ब्रेक करके डिग्रेड कर दिया जाएगा, तो इसको वायरल पेप्टाइड कहा जाए। देखो ये तो वायरल पेप्टाइड्स तैयार हो गया, मतलब ये एंटीजन हो गया है ना, ये जो क्योंकि ये पेप्टाइड्स ये जो प्रोटीन्स है ये वायरस की ओरिजिन है, मतलब फॉरेन ओरिजिन है, एंटीजन हो गया। अब ये एंटीजन को क्या किया जाएगा, MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में लोड किया जाएगा। कैसे लोड किया जाएगा, देख लो पहली बात तो है कि MHC क्लास 1 खुद को प्रिपेयर कहां पे करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER, इसके लुमेन में, लुमेन और ये मेम्ब्रेन अलग है, लुमेन व्हाइट कलर से है, मेम्ब्रेन जो है ब्राउन कलर से है। तो ये देखो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये क्या है, ये MHC क्लास 1 का प्रोटीन तैयार हो रहा है, और उसको तैयार होने के साथ साथ ER की लुमेन की तरफ ऐसे धकेल दिया जाता है, और एक शैपरॉन प्रोटीन भी रहता है जो MHC क्लास 1 प्रोटीन को प्रॉपरली फोल्ड होने में, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अल्फा 1 हो गया, अल्फा 2 हो गया, अल्फा 3 हो गया, और ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए शैपरॉन प्रोटीन भी मौजूद होता है, ताकि फोल्डिंग जो है प्रॉपरली हो। शैपरॉन प्रोटीन्स क्या होता है, जो प्रोटीन फोल्डिंग हेल्पर प्रोटीन्स होता है, राइट। तो जब पॉलीपेप्टाइड तैयार होता है वो ठीक ठाक से फोल्ड हो ये देखना काम होता है शैपरॉन की, तो वो यहां पर हो रहा है। अब जब भी ये हो गया तब यहां पर देखो एक एक प्रोटीन रहता है टैपोसिन, टैपोसिन और टैप, टैपोसिन के साथ टैपोसिन क्या करेगा, टैपोसिन ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो तैयार हो चुका है उसको नजदीक लेकर जाएगा, किसके नजदीक, टैप ट्रांसपोर्टर। टैप एक ट्रांसपोर्टर, एक चैनल प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में, देखो ये टैप, और उसके जरिए ये जो चॉप्ड पेप्टाइड है वायरस की पेप्टाइड जो एंटीजन, वो धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लुमेन में लेकर आया जाएगा। फिर ये टैपोसिन क्या करेगा, टैपोसिन ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ टैप को बहुत नजदीक लेकर जाएगा, ताकि ये जो एंटीजन है ये MHC क्लास 1 में लोड हो पाए, इंटरैक्ट करके बैठ पाए, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। MHC क्लास 1 में जो है एंटीजन, वायरल एंटीजन लोड हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट देखो, लोड होने के बाद देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल बनाकर ये MHC क्लास 1 गॉल्जी अपैरेटस में आएगा, गॉल्जी अपैरेटस से वेसिकल बनाकर एक्सोसाइटोटिक वेसिकल बनाकर
एक्सोसाइटिक वेसिकल बनाकर वो बाहर की तरफ आके मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा। अभी ऐसे मेम्ब्रेन में एमएससी क्लास वन वायरस की वो जो फ्रेगमेंटेड प्रोटीन है बाहर की तरफ ऐसे शो करेगा। किसको शो करेगा? टी सेल को। कौन से टी सेल को? ये क्लास वन एमएससी है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल को शो करेगा, जो CD8 प्लस टी सेल है। और वो क्या करेगा? सिग्नलिंग से इसको एक कुछ एंजाइम जिसको परफोरिंस बोलते हैं, ग्रैनजाइम्स बोलते हैं, परफोरिंस रिलीज करेगा जो कि इस मेम्ब्रेन में छेद कर देगा, होल क्रिएट करेगा। और ग्रैनजाइम्स अंदर आके वो एक एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स जाके प्रोटीन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करेगा तो सेल को मार गिराएगा। ये टोटल प्रोसेस है कैसे ये होता है। स्टार्ट होता है प्रोटीन प्रोडक्शन इन साइटोसॉल, प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोटीन मतलब वायरल प्रोटीन को डिग्रेड किया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन टू द ईआर मतलब एमएचसी क्लास वन तैयार हो चुका है, असेंबली ऑफ पेप्टाइड इन क्लास वन ईआर लोड हो चुका है, सो लोडिंग ये, और आखिरकार सरफेस एक्सप्रेशन। और सरफेस एक्सप्रेशन के बाद हमें पता है कि टी सेल क्या करेगा। और अगर ये चीज बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि एमएचसी क्लास वन है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के साथ जो CD8 प्लस है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा जो सेल को मार देगा। और दूसरे तरफ हम देखेंगे एमएचसी क्लास टू जो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? CD4 प्लस टी सेल के साथ, टी हेल्पर सेल के साथ, बाद में देखते हैं। तो इसमें एसोसिएटेड एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है? देखो ये एंटीजन प्रेजेंटेशन के प्रोसीडियर है, ठीक है, इनगल्फमेंट हो गया, इंटरेक्शन हो गया, CD84 के साथ इंटरेक्शन होगा, उसको लाइसिस किया जाएगा। एमएससी क्लास टू की प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं। एमएससी क्लास टू मॉलिक्यूल हर एक न्यूक्लियेटेड सेल में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में पाया जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोफेशनल भी होता है, एटिपिकल भी होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, कौन से टाइप से, क्या फंक्शन से, उसके भी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसको भी देख लो। क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जो कि मैक्रोफाज हो गया प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, डेंड्रिटिक सेल हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी सेल हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, राइट। तो इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो क्लास टू एमएससी है ना, वो इंडिजेनस, एक चीज देखो, वो एक्सोजेनस एंटीजन को प्रोसेस करता है। और ये एमएससी क्लास वन इंडिजेनस, मतलब जो एंटीजन का ऑरिजिन इनसाइड सेल के अंदर से ही होता है, क्योंकि सेल को तो पहले से ही वायरस इन्फेक्ट करके रखा हुआ है, तो वायरस के पार्टिकल जो भी यहां पर मौजूद होगा वो पहले से ही होगा सेल के अंदर, तो इंडिजिनस ऑरिजिन होता है एमएससी क्लास वन में। और क्लास टू में एक्सोजेनस ऑरिजिन होता है, मतलब ये जो एंटीजन है टोटली बाहर से आता है, मतलब एक बैक्टीरिया बाहर से आया, और बाहर से आया है, फिर कोई भी पैथोजन बाहर से आया, एक्सोजेनस ऑरिजिन होता है। और ये किसके साथ बाइंड करता है? मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे बाइंड करता है टी हेल्पर सेल, जिसको हम CD4 प्लस सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन, नेमली अल्फा चेन एंड बीटा चेन, ओके। एंटीजन इज प्रोसेस्ड इनसाइड द एंडोसोम एंड पेप्टाइड इज फर्दर लोडेड ऑन टू द सर्फेस। कैसे होता है देख लेते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ठीक है। यहां पर अल्फा चेन 33 किलो डाल्टन का और बीटा चेन 28 किलो डाल्टन का। यहां पर दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है, दोनों मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन होता है, ठीक है। टाइप टू में, क्लास वन में, एमएससी क्लास वन में एक ही था, ओके। तो बीटा वन बीटा टू राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अल्फा वन अल्फा टू। और इसमें जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखो, बीटा वन बीटा टू में होता है और अल्फा टू में होता है, ठीक है। और दोनों ही अल्फा टू और बीटा टू का जो चेन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन में मौजूद होता है। बोथ चेन्स आर अटैच नॉन कोवेलेंटली, दो यूनिट से बना हुआ होता है, बीटा टू एंड अल्फा टू का ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और अल्फा वन एंड बीटा वन डोमेन ज्वाइंटली बियर ए पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। ये है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप जो कहां पर किससे बना हुआ होता है, अल्फा वन और अल्फा टू से, और यहीं पर जाके एंटीजन बाइंड करेगा, एक्सोजेनस एंटीजन बाइंड करेगा और टी सेल रिसेप्टर के जरिए, यहां पर टी सेल होगा, कौन सा टी सेल? टी हेल्पर सेल, CD4 प्लस टी सेल इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे एमएससी क्लास टू एंटीजन को प्रोसेस करता है, देख पा रहे हो, ये अगेन ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कैसे पहले से ही प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है देखो। और जब भी क्लास टू मॉलिक्यूल तैयार हो चुका है उसका जो पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप ये खाली नहीं रहता है, ये एक इनवेरिएंट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन से ब्लॉक किया हुआ होता है, ठीक है। फिर यहां से वेसिकल बल्ज आउट करके गोल्जी अपैरेटस में आ जाएगा, गोल्जी में भी देख पा रहे हो कि ये एमएससी क्लास टू है और इसमें ये एक स्ट्रक्चर है ना रेड कलर का, तो इसको क्या कहते हैं हम, इनवेरिएंट चेन। ये भी बना है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही, इंटेंशनली बना है। क्यों? यहां पर गोल्जी में जाने के बाद
इसको मॉडिफाई किया जाता है, डाइजेशन ऑफ इनवेरिएंट चेंज, इनवेरिएंट चेंज को डाइजेस्ट किया जाता है ऐसे कि ताकि एक छोटा हिस्सा एंटीजन बाइंडिंग ग्रुप में रह जाए और बाकी के हिस्से को रिमूव किया जाता है, और इसको हम क्लिप बोलते हैं, CLIP, ओके। जो क्लिप क्या होता है, बेसिकली क्लिप होता है इनवेरिएंट चेन का क्लिप्ड किया हुआ एक हिस्सा, और तभी ये होता है जब गॉल्जी एपरेटस से वेसिकल बाहर आता है, ओके। और उसके बाद देखो ये नॉर्मल, तो ऐसे सिचुएशन में वेसिकल के अंदर क्लास टू MHC ऐसे तैयार होकर रह जाता है, और मैक्सिमम जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जैसे कि डेंड्रिटिक सेल हो गया, बी सेल हो गया, यहां पर ये जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 इसका एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, मतलब ये प्रोटीन बनता ही रहता है ऑल द टाइम, बिकॉज दे विल नीड इट, फ्यूचर में हमें चाहिए ही चाहिए, तो बनता रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफाज में ही इंड्यूसेबल रहता है कुछ हद तक, तो ये ऐसे मौजूद है। अभी देख लेते हैं अगला स्टेप, देखो पैथोजन आया बाहर से, इंटरेक्ट किया पैथोजन के, इनगल्फ किया, फिर उसके बाद लाइसोसोम को इस वेसिकल के साथ फ्यूज किया, फ्यूज करने के साथ हमें पता है कि लाइसोसोम के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम से वो जाके इस जो पैथोजन है उसको ब्रेक किया, राइट, अलग अलग एंजाइम से पैथोजन के अलग अलग हिस्से को ब्रेक किया, फ्रैगमेंट जनरेट किया। अब जब फ्रैगमेंट जनरेट हो चुका है तब इस फ्रैगमेंट को क्या, सो ये फ्रैगमेंट्स है, अब क्या होगा, यहां पर फ्यूजन होगा, यहां पर फ्यूजन होगा। अब जब भी ये दो वेसिकल्स का फ्यूजन होगा तब क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्लिप से तो पहले ही एंटीजन बाइंडिंग क्लिप ब्लॉक्ड था, अभी ये जो फ्रैगमेंट्स है ये फ्रैगमेंट क्लिप को रिप्लेस करेगा, क्लिप को ये फ्रैगमेंट रिप्लेस करेगा। ये थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यूनिक है, जो MHC क्लास 1 प्रोसेसिंग में नहीं था, ये MHC क्लास 2 प्रोसेसिंग में है। क्लिप को रिमूव करके खुद की जो पेप्टाइड है उसको लोड करेगा, बस उसके बाद ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन पे। अब मेम्ब्रेन पे हम क्या देख पा रहे हैं कि MHC क्लास 2 टारगेटेड एक्सोजेनस ओरिजिन का जो प्रोटीन है फ्रैगमेंट से उसको बाहर शो कर रहा है, ठीक है, यही बात है। तो कैसे प्रेजेंटेशन होता है, देखो एंटीजन तो अपटेक हो चुका है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को अगर अपटेक करेगा, बाहर से आएगा अपटेक करेगा, फिर उसको CD4 टी हेल्पर सेल को शो करेगा और इंटरेक्शन कंप्लीट होगा, तो चाहिए वो मैक्रोफाज हो चाहिए वो बी सेल हो। मगर इस इंटरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ MHC क्लास 2 के साथ TCR टी सेल रिसेप्टर का इंटरेक्शन नहीं होता है, को स्टिमुलेशन भी चाहिए होता है, और को स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, हम देखेंगे बाद में। अब एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन इज द MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर जो भी MHC है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, हर एक टाइप ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। ये सरफेस प्रोटीन है जो कि सेम काम कर, ऑल सारे के सारे न्यूक्लियेटेड सेल के ऊपर ये पाए जाते हैं, और इसका काम क्या है, MHC क्लास 2 MHC क्लास 1, देखो MHC क्लास 1 के जैसे काम भी है, MHC क्लास 2 के जैसे भी काम है। तो HLA क्लास 1 की बात करें तो वो बेसिकली HLA क्लास 1 इज MHC क्लास 1, देखो सेम थिंग है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन डोमेन और एक पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप जो अल्फा 1 और अल्फा 2 से बना हुआ होता है, ठीक है। क्लास 2 में क्या हो जाएगा, बीटा 1 बीटा 2 राइट साइड में, अल्फा 1 अल्फा 2 राइट साइड में, दोनों मेम्ब्रेन स्पैनिंग और पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप। सो बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू MHC क्लास 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू MHC क्लास 2। सो HLA टाइप 2 इज MHC क्लास 2, HLA टाइप 1 इज MHC क्लास 1, वेरी सिंपल, ओके। तो MHC क्लास 2 जो है प्रिंसिपल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम करेगा वो, राइट। अभी यहां पर देख लेते हैं के क्लास 2 फाउंड ओनली इन सेल्स इन ऑफ इम्यून सिस्टम, मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल वगैरह वगैरह, राइट, ओके। और HLA क्लास 2 मॉलिक्यूल आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिस्पॉन्स, और ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में काम करता है, सेम चीज। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्लास 3 जिसके बारे में हम बात नहीं किए, HLA टाइप 3, जैसे कि MHC और मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी टाइप 3 क्लास 3, ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्पोनेंट्स को लिंक करता है, ठीक है। ये देखो ये हम देख रहे हैं ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर 6, और यहां पर हम देख पा रहे हैं तीनों अलग अलग तरीके का HLA का लोकेशन जीन, क्लास 1 का यहां पर आ गया, फिर क्लास 3 क्लास 2, तो ऐसे रहता है, क्लास 2 पहले, बीच में क्लास 3 और क्लास 1 राइट, और वहां पर टेलोमियर है, यहां पर सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर से स्टार्ट करें तो क्लास 2 पहले होता है, फिर क्लास 3 होता है, फिर क्लास 1 होता है आखिर में, ठीक है। तो क्लास 3 का क्या काम होता है, C3 कन्वर्टेज के तरह काम कर सकता है, हीट शॉक प्रोटीन के तरह, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये जो क्लास 3 है ये इंस्टिगेट करता है C3 कन्वर्टेस फॉर्म, मतलब C3 कन्वर्टेस क्या चीज है अगर पता नहीं है तो बाद में पता चलेगा, इसका भी डिटेल वीडियो है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे देखो,
समझ आ जाएगा। तो C3 कन्वर्टेज को रिलीज तैयार कर सकता है, हीट शॉक प्रोटीन्स को तैयार कर सकता है और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज कर सकता है क्लास CHLA, ये इसका काम है, जो डायरेक्टली एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम नहीं है, डायरेक्टली ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम नहीं होता है। तो ये रहा फंक्शंस ऑफ HLA टाइप 3, यहाँ पर देख रहे थे फिर भी फंक्शंस HLA टाइप 3 और 4 क्या करता है, देखो क्लास CMHC मॉलिक्यूल है, ओके, और इसमें दोनों अलग अलग एग्जाम्पल क्लास सी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स इन द इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट्स लाइक C2 एंड C4। तो बेसिकली मैंने बताया आपको कि C3 कन्वर्टेज को क्रिएट करने में मदद करता है, यहाँ पर पीछे की तरफ जाए तो C3 कन्वर्टेज तैयार करने में मदद करता है, कलर ले लेते हैं, C3 कन्वर्टेज तैयार करने में, और उसके साथ साथ जो फोर्थ वन है क्लास 4 रिप्रेजेंट द टी सेल्स ऑफ ल्यूकेमिया के टी सेल्स को रिप्रेजेंट करता है एज वेल एज ऑन इमेच्योर थाइमोसाइट्स। तो यही बेसिकली डिफरेंसेस है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो आशा करते हैं कि मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको पता है इस वीडियो के बाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को दोस्तों के साथ और चैनल पे बने रहें ताकि और भी ऐसे हिंदी वीडियोस आपको मिलता रहे, और इस सारे के सारे वीडियो जो इम्यूनोलॉजी की सीरीज है इसको देखें A to Z, एंड आई बिलीव आपकी इम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, बाय।